हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आज मैं आ गया हूँ केटीएम शोरूम, जो कि 125 सीसी का ड्यूक लॉन्च हो गया है फाइनली। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में है गाइस। चलिए इसका पूरा व्यू आपको दिखाते हैं, किस तरह का ये बाइक है। आप देख सकते हैं 125 सीसी का ड्यूक का जो 390 के लुक में आपको देखने को मिलता है, पूरा व्यू आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। बहुत ही बेस्ट बाइक है मेरे हिसाब से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप पूरा वॉकअराउंड शॉट दिखाते हैं, कुछ सिनेमेटिक शॉट भी आपको दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। गाइस आप देख सकते हैं 125 सीसी का आपको डुप देखने को मिलता है, जो इस कलर में आपको देखने को मिलता है गाइस। इसका लुक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है गाइस। आप देख सकते हैं ये 390 का लुक में आपको देखने को मिलता है, ये आपको 125 सीसी में आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट बाइक लग रहा है, बेस्ट कलर लग रहा है मेरे हिसाब से। आपको कमेंट करना है कि ये बाइक आपको किस तरह से लग रहा है। तो गाइस फाइनली ये जमशेदपुर में लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हैं डुक 125, जो कि बहुत ही बेस्ट कलर लग रहा है मेरे हिसाब से। तो आपको कैसे लग रहा है? तो गाइस आप देख सकते हैं इसका पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। इसका लुक देख सकते हैं, ये 390 की ही लुक की तरह आपको देखने को मिलता है। इसका आप मीटर देख सकते हैं, सेम आपको पहले जो मीटर आता था वही सेम आपको लुक देखने को मिलता है गाइस। अब देख सकते हैं रेडी टू रेस वाला आपको मीटर देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं इसका सीट का कम्बिनेशन देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट लग रहा है। 125 सीसी में ये डुक आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी फेरबदल किया गया, जो पहले आपको 125 सीसी का जो दिखता था गाइस, उससे बहुत ही बेस्ट लग रहा है ये। आप देख सकते हैं पीछे का बैक लाइट, आप देख सकते हैं ये आपको इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट लग रहा है मेरे हिसाब से। ये आपको टायर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही बेस्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं ये टायर आपको 150/60 का टायर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका इंजन का लुक, आप देख सकते हैं इसमें आपको ये आपको ऑरेंज कलर में देखने को मिलता है गाइस। और पीछे इसका साइड का लुक आप देख सकते हैं, ये आगे का हेडलाइट आप देख सकते हैं, इसमें आपको एलईडी दिया गया है गाइस। आप देख सकते हैं ये आपको 125 सीसी में देखने को मिलता है गाइस। इसमें आपको मैक्सिमम जो पावर दी गई है 14 तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक में ये देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 125 सीसी का ये आपको ड्यूक 125 में आपको देखने को मिलता है। इसका ऑरेंज एंड वाइट का कम्बिनेशन कलर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो कैसे लग रहा कमेंट करके बताना ये बाइक। तो मुझे तो बहुत ही बेस्ट लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। चलिए इसका कुछ वॉकअराउंड शॉट दिखाते हैं, कुछ सिनेमेटिक शॉट भी आपको दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए कुछ इसका सिनेमेटिक शॉट लेते हैं गाइस। गाइस आप देख सकते हैं ये 125 सीसी का डुक। तो फाइनली इसका बात करते हैं ये जमशेदपुर का ऑन रोड कीमत। तो फाइनली इसका जमशेदपुर का ऑन रोड कीमत आपको ये 1,70,000 पड़ जाएगा गाइस। आपको अगर लेना है तो केटीएम शोरूम, जो कि कालीमाटी रोड में पड़ता है, वहां आके आप बुक कर सकते हैं, अगर आप जमशेदपुर के हैं तो। गाइस यही छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको बहुत ही बेस्ट लग रहा है ये 390 की ही लुक में आपको देखने को मिलता है। यही छोटा सा वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए वीडियो यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।